जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे परसेंटेज के कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन के बारे में, जो अलग अलग एग्जाम के द्वारा पूछ लिए गए हैं। हम बोर्ड पे बहुत सारा क्वेश्चन लिख दिए गए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे हैं। जैसे ये क्वेश्चन SBI क्लर्क में पूछा, ये IBPS में पूछा, ये SBI में पूछा है ना, ये LIC में पूछा और ये IBPS में पूछा है। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उस चीज को इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, इस क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ताकि हर एक बच्चे को जो बिगनर है, क्योंकि ये बेसिक क्लास चल ही रहा है, तो उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। अब देखिए, जब इस क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे थे, आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो चीज करेंगे उसका उपयोग इसमें नहीं करेंगे, कुछ स्टेप को हम लोग क्या कर लेंगे, काट लेंगे, क्योंकि जो चीज ऊपर सीख लिए उस चीज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा, का मतलब होता है गुना, इतना तो आपको पता ही है, और परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 सटेगा। कैसे 100 सटेगा, इसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि 450 का 75%, तो मेरे सोना इसको क्या लिखोगे, 450 का मतलब गुना 75, और परसेंट का मतलब नीचे बटा में 100, प्लस 850 का 25%, दैट मीन्स कि 850 गुना 25 बटा में 100, ठीक है। आप देखिए तो क्या कट जाएगा, देखिए तो ये कट जाएगा, 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और भी कुछ कट रहा है, इसको आप काटने के लिए काट सकते हैं। हम यहाँ भी छोड़ देंगे तो बन जाएगा, लेकिन हम काट के ही दिखाते हैं। 5 के टेबल से कट जाएगा 25, ये कट जाएगा 5 दूनी का 10, 5 के टेबल से कट जाएगा 15 5 75, अब 5 दूनी का 10, ठीक है। आप देखिए यहाँ 45 को 15 से गुना करना है और 2 से भाग देना है, कितना होगा जी, 15 को 45 से गुना कीजिएगा तो 15 के टेबल 5 पर पड़ेगा, तो 15 5 75 का 5 हासिल 7, अब 15 4 60 और 7 67, 675 बटा में 2, बीच में प्लस है तो प्लस, इसको देखिए नीचे बटा में 2 है तो 2, ऊपर वाला से गुना होगा, 5 को 5 से गुना कीजिएगा 50 25 के 5 हासिल 2, 5 को 8 से गुना कीजिएगा 8 5 4, 8 5 40 और 2 42, 425। अब इसको क्या करना है, भिन्न का जोड़ बना देना है, नीचे 2 2 है तो LCM क्या हो जाएगा, 2 ना होगा जी, तो 2 हो गया, 2 जब दोनों तरफ 2 2 है तो ऊपर वाला जैसे है वैसे जोड़ देंगे ना, नहीं पता है, दोनों का LCM यहाँ लिखते हैं, इससे इसको भाग देते हैं, क्योंकि ये 2 है तो इस 2 से जब इस 2 को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा 2 1 2, और एक से ऊपर वाले को गुणा करेंगे तो वही नंबर आएगा, यानी ये दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो गया 675 प्लस 425 बराबर, अभी दोनों को जोड़ दो कितना होगा, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 9 1 10 के 0 हासिल 1, 6 4 10 1 11 बटा में 2, ठीक है। यहां तक तो कोई कष्ट नहीं होगा, अभी 2 के टेबल से कट जाएगा कई बार में, 2 5 10 11 था तो 2 5 10, फिर यहाँ 10 बच गया, फिर 2 5 10 कट गया, एक वो 0 है तो 0 रखने दो, यानी कितना आ गया 550। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इतना का इतना परसेंट, इतना का इतना परसेंट, तो उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा कितना आएगा, 550, यानी कि वाट का वैल्यू क्या आ गया, 550 आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें हमने एक स्टेप को भी मिस नहीं किया है, जो LCM आया LCM भी लेकर के सिखाए हैं, क्योंकि ये बिगनर्स है, बेसिक क्लास है, इसलिए इसमें हर एक स्टेप को बताते हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ पे जो हम लिखे हैं 450 का 75/100, इस चीज को यहाँ नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता ही है का मतलब होता है गुना, परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 आएगा, तो जब नीचे 100 आ जाएगा तो इधर ई वाला जो है 1 0 से 1 0 यहाँ वाला कट जाता है, तो इसमें हम वो काम नहीं करेंगे, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 600 का 41% है, 600 का 41% माइनस 250 बराबर वाट माइनस 900 का 77%, तो देखिए हाई वाला जो परसेंट है, इस परसेंट से ही 2 0 कट जाएगा, नहीं समझ में, कैसे कट गया, देखिए
और 600 है गुना का मतलब गुना है 41% है तो मतलब क्या हो गया 41% हटेगा तो बटा में 100 तो 20 से 20 कट गया। तो ये चीज हम ना करके डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दिए हैं काट दिए हैं और आपको भी ऐसे ही क्या करना है काटना है क्योंकि एग्जामिनेशन में समय बहुत कम रहता है तो ये सब काम कुछ कुछ मन में होना चाहिए। आगे आइए तो ये परसेंटेज से ही क्या कट गया 6 कट गया 00 कट गया परसेंट से ये 00 कट गया। अब 41 को 6 से गुना करके लिख लीजिए कितना हो जाएगा 1 × 6 = 6 और 6 को 4 4 को 6 से गुना कीजिएगा 4 और 6 को 6 × 6 = 24 (246 − 250) बराबर वाट है तो वाट रहने दीजिए माइनस। अच्छा देखिए 77% है ना 900 का एक परसेंट से 00 कट गया यानी 77 को 9 से गुना करके लिखना है का मतलब गुना होता है ये चीज आप जानते हैं तो 9 को 77 से गुना कीजिए तो 7 × 63 = 6 × 9 = 63 कितना हो गया 69 ठीक है कितना हो गया 69। अब देखिए चाहे 246 में से 250 घटाना है 250 माइनस में है 246 प्लस में यानी हाई बड़ा है छोटा है तो घटाइए हाई देखिए तो जीरो में से 6 जाएगा नहीं समझ में आया होगा इसको ऐसे लिख लीजिए ऐसे ऐसे 250 और 246 ये सब बेसिक क्लास है इसलिए लिख रहे हैं। अब देखिए तो जीरो में से 6 मिल जाएगा तो बगल वाला से हासिल लेगा 10 में से 6 हो गया 4 5 था एगो दे दिया क्या बच गया 4 4 में से 4 गया 0 2 में से 2 गया 0 यानी खाली क्या बच गया 4 इसको जब घटाइएगा तो क्या बचेगा 4। अच्छा ये हाई से बड़ा है निगेटिव वाला बड़ा है पॉजिटिव वाला छोटा इसलिए आंसर में लग जाएगा माइनस 246 में से माइनस 250 घटाएंगे तो आंसर आएगा माइनस 4 बराबर वाट माइनस 693 ठीक है। अब देखिए है 693 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में यानी कि हो गया माइनस 4 प्लस 693 बराबर वाट। अब 693 प्लस में 4 माइनस में 693 में से 4 घटा दीजिए देखिए ई वाला 4 है इसके इकाइयों के नीचे लिखाएगा ना यहाँ पे लिखाएगा ना ये घटेगा 4 3 में से तो 4 नहीं जाएगा तो बगल वाला से हासिल लेगा क्या होगा 13 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 9 होगा 13 में से 4 जाएगा तो 9 ये 9 था एक किसको दे दे क्या बच गया 8 6 है तो 6 बराबर क्या आ गया वाट यानी कि 689। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया 689। आगे समझ में हम सब चीज यहाँ एक एक चीज धीरे धीरे लिख रहे हैं ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं हो। आगे बढ़ते हैं 420 का 28% प्लस 540 का 36% किसके बराबर होगा। यहाँ पे हम कुछ स्टेप काट लिए थे क्या आपको वो बात ध्यान में है देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं पूरा 420 का मतलब गुना 28% मतलब 28/100 प्लस 540 का मतलब गुला 36% मतलब 36/100। देखिए 10 से 10 गया 10 से 10 गया ठीक है। आप देखिए तो ये कट रहा है कुछ क्या कटने वाला तो नहीं है नीचे क्या है 10 है डेसिमल में जाएगा लग रहा है कि चलिए 2 के टेबल से काट दे रहे हैं 14 × 2 = 28 2 से कट जाएगा 2 × 5 = 10 2 से कट जाएगा 18 × 2 = 36 2 × 5 = 10 क्या बच गया भाई 14 × 42/5 बटा में क्या आया 5 14 से गुना कीजिए 14 × 28 = 8 हासिल 2 14 × 56 2 = 58 प्लस आगे देखिए तो 18 करना है 4 से 54 से तो 18 × 74 = 2 हासिल 7 18 × 95 = 97 अब बटा में 5 ठीक है। अब देखिए तो क्या है मेरे भाई क्या है नीचे 5 5 है तो 5 5 कैल्सियम क्या हो गया 5 जब 5 5 कैल्सियम 5 हो गया हाई दोनों मिल गया हाई दोनों मिल गया तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों ऊपर वाला ज्यों का त्यों उतर जाएगा क्या हो जाएगा 588 प्लस 972 बराबर इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा तो 8 × 2 = 10 के 0 हासिल 1 8 × 7 = 15 116 = 6 हासिल 1 9 × 5 = 14 1 = 15 बटा में 5 5 से कट जाएगा क्या बार में 5 × 3 = 15 6 है 5 × 1 = 5 1 = 0 5 × 2 = 10 312
क्या आएगा मेरे भाई, 312 आएगा। क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 312। देखिए एसबीआई क्लर्क का क्वेश्चन है, कितना आसानी से बन गया है ना। तो ये परसेंटेज है, परसेंटेज का भी हम लोग बेसिक क्लास कर रहे हैं और इसमें उस क्वेश्चन को देख रहे हैं जो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए गए। आगे बढ़ते हैं, आईबीपीएस का क्वेश्चन है, 40 का 3.5% प्लस 80 का 3.5% बराबर 10 का वाट परसेंट, वाट का वैल्यू बताना है। चलिए अच्छी बात है, आप देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 का 3.5% का मतलब बट्टा में 100 प्लस 80 का 3.5% का मतलब बट्टा में 100 बराबर 10 का वाट मतलब वाट परसेंट का मतलब बट्टा में 100। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे देखिए तो 1 0 से 1 0 गया। चल गया, इतना चीज चल गया। आप देखिए इसमें हम लोग काटते हैं, काटने का टेक्निक है। आप देखिए इधर क्या है, इसमें है इधर इतना बटा 10 प्लस इतना गुना इतना बटा 10 और इधर वाट बटा 10 है। तो देखिए इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो इधर क्या आएगा, 10 आ जाएगा पूरा नीचे में, और इधर क्या है गुना में है तो 10 है, तो नीचे वाला 10 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दोनों तरफ नीचे नीचे सेम नंबर आता है तो कट जाता है, कब, जब बीच में क्या हो, बराबर हो। आया समझ में? तो देखिए यहाँ एक स्टेप और बढ़ा दे, नहीं सीखिए बढ़ाते नहीं, यहाँ पे हाई 10 हाई 10 और हाई 10 कट जाएगा। ठीक है, अगर हाई हाई तीनों 10 कैसे कटा ये बात अगर नहीं समझ में आया आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब नीचे वाला काम खत्म, यहाँ पे क्या बच गया, 3.5 को 4 से गुना करना है, 4 × 3.5 ये वाला बच गया, इसको गुना करके डायरेक्ट लिख देते हैं। इस 4 से करेंगे 5 को 4 × 5 = 20 के 0 हासिल, 2 × 4 = 12, 2 = 14, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक में दशमलव दे दीजिए, प्लस इसको 8 से कीजिए 3.5 को 8 × 5 = 40 के 0 हासिल, 4 × 3 = 24, 4 = 28, दशमलव के बाद एक अंक दशमलव दे दीजिए, बराबर। इधर क्या बचा जी, ये तो सब कट कूट गया, खाली वाट बच गया, क्या बच गया, खाली वाट बच गया। अब इसको जोड़ दीजिए तो 14 × 28 कितना होगा जी, 8 × 4 = 12 हासिल, 1 × 2 = 3 = 4 बराबर वाट, बराबर वाट, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 42। कितना आया, 42 आया, इसका आंसर कितना आया, 42। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 42 आंसर आया। आगे बढ़ते हैं, 3/5 का 40% बराबर प्लस 2/5 का 30% प्लस वाट बराबर 1, तो वाट का वैल्यू बताना है। देखिए कितना इजी इजी क्वेश्चन है जो बैंक में पूछा गया है, वो भी एसबीआई आईबीपीएस इतना स्टैंडर्ड एग्जाम में, तो बस थोड़ा सा आपको मेहनत का जरूरत है फिर नौकरी आपके हाथ में है। आगे देखिए क्या हो जाएगा, 3/5 का 40/100 ये ना हुआ का मतलब प्लस 2/5 का 30/100 प्लस वाट बराबर। अब देखिए तो कट रहा है क्या, 1 0 से 1 0 कट गया, अब तो इधर कुछ बचा नहीं। अब देखिए कटने के लिए यहाँ पे एक और चीज कटेगा, देखिए 2 से कट जाएगा 2 × 4 = 10 तो बच क्या क्या गया जी, इधर देखिए तो 3 × 2 यहाँ पे बच गया 6 और नीचे बच गया 5 को 5 से गुना कीजिएगा 50 = 25 प्लस ऊपर में यहाँ क्या बचा, केवल 3 और नीचे में 5 को 5 से गुना कीजिएगा 25। अब देखिए हाई जो है, हाई वाट इधर है तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाट हो जाएगा, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो -1 बराबर इधर जाएगा तो -1। ठीक है, आप देखिए आप इसका जब एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 25, इस 25 से 25 को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 को 6 से गुना करेंगे तो ऊपर में 6 प्लस 25 से 25 को भाग देंगे एक बार में कटेगा, 1 को ऊपर से गुना करेंगे 3 माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 के पार में 25 कई बार में आएगा, 25 बार में,
एक से इस 25 में भाग देंगे तो 25 आएगा, 25 को एक से गुना करेंगे तो यहाँ पे 25 बराबर, इधर माइनस वाट है तो माइनस वाट रहने दीजिए, इधर माइनस वाट रहने दीजिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अभी हमारे पास जगह की कमी है इसलिए हम इस चीज को अब यहाँ पर लिखेंगे, और आप समझिएगा हम यहाँ से यहाँ के बाद यहाँ के बाद यहाँ के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। आप देखिए कितना होगा जी, 6 × 3 = 9 क्या हो गया, 9 माइनस है क्या होगा 25, बटा में नीचे क्या रहेगा 25, इधर क्या है बराबर माइनस वाट। अब देखिए देखिए कितना होगा, 25 में 9 घटाइएगा तो -16 बटा में 25 बराबर माइनस वाट। अब देखिए ये 25 में से 9 घटेगा तो 16 आएगा ना, 25 निगेटिव है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, इधर भी माइनस गया, 16/25 बराबर वाट, यानी वाट का वैल्यू क्या आया 16/25 16/25, ठीक है। या तो ऑप्शन में 16/25 देगा नहीं तो डेसिमल में देगा, तो 16/25 को दशमलव में कैसे बनाइएगा, तो दशमलव बनाने के लिए क्या है कि नीचे 4 से गुना कर दीजिए ऊपर भी 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। हम क्या किए, नीचे वाले डिनोमिनेटर को 100 बना रहे, ऊपर में क्या हो जाएगा 16 × 64, नीचे में 25 × 100, नीचे जाए 2 जीरो रहता है ऊपर में उतना अंक बाद दशमलव पड़ता है, नीचे 2 जीरो है ऊपर में 1 2, यहाँ पे दशमलव पड़ जाएगा, इसको दशमलव बनाएगा तो 0.64 होगा, यानी इसका आंसर क्या हो गया, ऊपर वाले का आंसर क्या हो गया 0.64, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग बड़ा करके जूम करके देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा जगह कम हो गया क्योंकि क्वेश्चन हम बहुत सारे क्वेश्चन को पहले ही लिख दिए हैं ताकि मिटाने में समय कम लगे और आपका वीडियो छोटा हो, इसीलिए। अब देखिए 600 का 43% प्लस 300 का वाट परसेंट बराबर 399 है, तो इसका आंसर वाट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। अब डिजिटल बोर्ड रहता तो एक बेर में एक क्वेश्चन दिखाते फिर उसको सॉल्व करते जल्दी जल्दी भगाते, ऐसे एक लिखेंगे मिटाएंगे तो बहुत ज्यादा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम एक ही बार सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लें और उसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। आगे देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे जगह बचाने के लिए हम ये परसेंट को नीचे नहीं लाते हैं, डायरेक्ट परसेंट से काट देते हैं, परसेंट से 2 जीरो कट गया, हाई वाला परसेंट से 2 जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 43 × 6, इसको गुना करके लिखिए 6 × 3 = 18 + 1 = 24 + 1 = 25 प्लस यहाँ पे क्या है 3 × 3 × 1 बराबर इधर क्या है 399। अब चलिए 3 × 1 बराबर 399 माइनस हाई वाला यानी प्लस में होने जाएगा तो घट जाएगा 258। आगे चलिए तो इसको घटाइए तो क्या होगा, 9 में से 8 जाएगा 1 9 में से 5 जाएगा 4 और 3 में से 2 जाएगा 1, 3 × 1 = 41 3 × 1 = 41 तो वाट बराबर क्या हो जाएगा जी 141 बटा में 3, ये 3 से कट जाएगा क्या बार में 3 × 12 3 × 12 2 बचेगा फिर हो जाएगा 21 × 3 = 21 यानी कि 47। इसका आंसर क्या आएगा 47, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस वाट का वैल्यू कितना आ गया 47। देखिए इतना इजी क्वेश्चन है और आपको एक नंबर दिला देगा, तो ये SBI क्लर्क का क्वेश्चन पूछा गया था। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इधर बढ़ते हैं 580 का 35% प्लस वाट का 70% बराबर 441 तो वाट का वैल्यू बताएंगे। देखिए तो 580 × 35/100 प्लस वाट का 70/100 बराबर 441 कोई कट रहा है क्या, देखिए तो 1 जीरो से 1 जीरो गया और तो कोई कट नहीं रहा है, कोई कट नहीं रहा है, कट रहा है देखिए 5 से कट जाएगा 5 × 7 = 35 और 5 × 2 = 10 से कट जाएगा 2 × 2 = 4 2 × 9 = 18 29 × 58 29 को 7 से गुना करके यहाँ लिख लीजिए 9 × 7 = 63 के 3 × 6 =
सात निकट 14 अच्छा 20 203 प्लस क्या होगा वाट। अच्छा देखिए ई वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा है ना, हाई वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ई वाला उधर जाएगा तो माइनस। चराने दीजिए अभी इसको, इसी को लिख लीजिए वाट गुना 7/10 बराबर 441। अब देखिए 203 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा वाट गुना 7/10 बराबर 441 घटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 203। अब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 203 घटाइएगा तो कितना आएगा, घटा दीजिए यहीं पे 11 में से 3 गया 8, यहाँ पे बच गया 3 में से 0 गया 3, यहाँ पे बच गया 4 में से 2 गया 2, ठीक है 238। अब देखिए तो वाट का वैल्यू कितना आएगा, तो वाट के बराबर हो जाएगा 238 10 नीचे भाग में एन आएगा तो गुना कर देगा बटा में 7, समझ रहे हैं वाट गुना 7/10 बराबर उतना आया, घटाने के बाद कितना 11 में से 3 गया 8, 3 में से 0 गया 3, 4 में से 2 गया तो 2। अब 238 है 10 नीचे भागा में तो इधर आएगा तो गुना कर देगा तो 238 गुना 10 अब बटा में 7। अब देखिए तो 7 से कटेगा क्या, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 7 3 21 18 पूरा कंप्लीट नहीं कटेगा। ये देखिए 238 है, इसको जब 7 से भाग दीजिएगा तो 7 3 21 अच्छा 2 7 4 28 पूरा कट जाएगा। चलिए इस 7 से कट जाएगा 7 3 21 7 4 28 34 बार में कंप्लीट। और 34 को 10 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 340। यानी ऊपर वाले को जब सॉल्व करेंगे तो वाट का वैल्यू कितना आएगा 340 आएगा। आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2100 का 45% माइनस 350 का 30% बराबर 1170 माइनस वाट। चलिए 2100 का मतलब गुना 45% का मतलब बटा में 100, माइनस है तो माइनस, 350 है तो 350 का मतलब गुना 30 बटा में 100 बराबर 1170 माइनस वाट, ठीक है। इधर वाला क्या है, लास्ट वाला वाट है। आगे बढ़िए देखे तो 20 से 20 गया 10 10 10 10 गया, इधर क्या हो गया 21 को 45 से गुना करना है और माइनस 35 को 3 से गुना करना है। चलिए तो 21 को 45 से गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा, देखिए 21 25 105 का 5 हासिल 10, 2184 और 10 94 नहीं समझ में आया, देखिए 45 को 21 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा, ये क्या है गुना करने का तरीका, 1 25 5 क्रॉस गुना करो 4 और 5 2 का 10 10 4 14 4 हासिल 1, ऐसे गुना करो 4 2 का 8 है 9, 945 आ गया। गुना अगर नहीं आता है तो गुना वाला वीडियो देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। 945 माइनस 35 को 3 से गुना कीजिएगा 5 3 15 5 हासिल 1 3 3 9 1 10 105 बराबर 1170 माइनस वाट, ठीक है। अब देखिए इसमें से घट जाएगा कितना होगा, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 840 अच्छा 1100 जो है 1170 इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 1170 बराबर माइनस वाट, ठीक है। अब 1170 में से इसको घटाना है तो देखिए 0 में से 0 में से 0 गया तो 0, 7 है यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे गया 11 भाई 1 में से नहीं जाएगा 1 1 11 11 में से 8 गया तो 3, भाई चूंकि 1170 माइनस है ये बड़ा है निगेटिव नंबर है बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा बराबर माइनस वाट। अब देखिए माइनस माइनस कट गया यानी कि आपको मिला वाट बराबर 330। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे जो वाट है उस वाट का वैल्यू क्या आएगा 330। तो ये था कुछ बेसिक क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया गया था, हमने कोशिश किया कि एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको
कैसे रूबरू कराएं परसेंटेज में, तो इस तरह से परसेंटेज बनता है। ठीक है, और भी कुछ हम लोग अलग क्वेश्चन करेंगे उसके अगले लेक्चर में। फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।